हम इस वीडियो में देखेंगे कि मेरे पास एक नोवा टीवी है, उसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि जब मैं स्टैंड बाय रिलीज करता हूं तो मेरी ये एलईडी जो दिख रहा है वो दो तीन बार ब्लिंक करती है और उसके बाद फिर हमारा डिस्प्ले आने की तैयारी होता है लेकिन हमारा डिस्प्ले आता नहीं है। तो चलो देख लेते हैं किस तरह से। आप एलईडी के ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एलईडी लिखा है। मैं यहाँ से स्टैंड बाय रिलीज करता हूँ और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मैंने यहाँ पर स्टैंड बाय रिलीज किया, आप देखें एलईडी दो बार ब्लिंक हुआ और तीसरी बार चला गया। ठीक है, अभी हमारा डिस्प्ले आ जाना चाहिए था लेकिन अभी डिस्प्ले हमारा आया नहीं है। तो अभी हम लोग सब वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं कि किस तरह से वोल्टेजेस बन रहे हैं और आउट हो रहे हैं। ठीक है, चलो हम लोग देख लेते हैं किस तरह से है। मैं टीवी को सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। अभी हम लोग मैं आपको इसमें बताऊंगा क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले ये हमारा है पावर सप्लाई, ये हमारा है पावर सप्लाई। ठीक है, और इसके बाद ये हमारा मदरबोर्ड है। यहाँ पर एक आपको पहला दिख रहा है, ये हमारा इन्वर्टर बोर्ड है जो बैकलाइट को चलने के लिए हमारा यूजफुल होता है। तो अभी मैं हमारा काम क्या है कि पावर सप्लाई से जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो बन के निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे, सबसे पहले वो चेक करेंगे। उसके बाद हम मदरबोर्ड के अंदर हम चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ चेक करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सबसे पहले स्टैंड बाय वोल्टेज चेक करूँगा, 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कनेक्टर दिख रहा है, यहाँ पर कनेक्टर आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से सारे वोल्टेज बन के आउट होंगे। तो यहाँ पर से 24 वोल्ट और ग्राउंड का सप्लाई निकलेगा जो कि डायरेक्ट हमारे इन्वर्टर बोर्ड को जाएगा यहाँ पर, और इनेबल डिसेबल का सिग्नल यहाँ से निकलेगा, इनेबल डिसेबल का सिग्नल यहाँ से निकलेगा हमारे मदर बोर्ड से जो कि बैकलाइट को ऑन ऑफ करने का कमांड देता है। सप्लाई इसको यहाँ से मिलेगा, ये मदर बोर्ड से पावर सप्लाई से सप्लाई मिलेगा। इसको कंट्रोल कहाँ से किया जाएगा, हमारे मदर बोर्ड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 5 वोल्ट स्टैंड बाय चेक करेंगे, उसके बाद बाकी के वोल्टेज हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टीवी को ऑन करता हूँ और 5 वोल्ट चेक कर लेता हूँ। तो हमारा 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मुझे मल्टीमीटर का एक प्रॉप को ग्राउंड कर देना है, सर्किट का कोई भी ग्राउंड, मैं इसका ही ग्राउंड करता हूँ। यहाँ पर ये ग्राउंड रहेगा, तो यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ पर 5 वोल्ट लिखा रहेगा तो मैं वो चेक कर लेता हूँ, 5 वोल्ट का पिन कौन सा है इसमें। तो यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है और उसके बाजू में देखते हैं क्या कितना वोल्ट है। सी, मेरा एक पिन ये है मेरा 5 वोल्ट का है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे 5 वोल्ट मिल रहा है। अब देख सकते हो यहाँ पर जो मेरा रेड ऑरेंज है वायर वो मेरा 5 वोल्ट का सप्लाई है, यहाँ पर मुझे 5 वोल्ट मिलेगा। जे ये 5 वोल्ट बन के तो अभी यहाँ पर जो हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई है वो हम लोग चेक कर लिया। यहाँ पर मैं ग्राउंड यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर तो ये हमारा 5 वोल्ट है जो कि स्टैंड बाय वोल्टेज बन के हमारे मदरबोर्ड को मिल रहा है। अब मदरबोर्ड में 1.2 वोल्ट और 3.3 वोल्ट बनना चाहिए, तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर दो रेगुलेटर लगा हुआ है, तो जो कि एक 3.3 का रहेगा एक 1.2 का रहेगा। तो अभी हम लोग वो देख लेते हैं कि कौन सा इसमें 1.2 का है और कौन सा 3.3 का है। तो मैं एक प्रॉप को ग्राउंड करता हूँ, यहाँ पर सर्किट ग्राउंड देता हूँ तो और चेक कर लेते हैं कितना वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर ये 5 वोल्ट यहाँ पर इन हो रहा है जो हमारे स्टैंड बाय वोल्टेज आ रहा है, उसके बाद यहाँ से शायद आउट होगा। तो यहाँ पर 3.5 वोल्ट आउट हो रहा है और यहाँ पर हमको 1.2, ये 3.3 इसको इनपुट रहेगा। अब देखते हैं, हाँ यहाँ पर 3.5 वोल्ट इसको इनपुट है और 1.2 वोल्ट इसका आउटपुट रहेगा। तो 1.2-1.3 वोल्ट आ रहा है। साथ साथ मेमोरी आईसी पे भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पिन नंबर 8 और 7 पे आपको 3.3 मिलना चाहिए, तो यहाँ पर ये वोल्टेज आपको मिल रहा है और साथ साथ यहाँ पर भी पिन नंबर 7 पे भी यहाँ पर आपको वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, तो ये सभी वोल्टेज हमको यहाँ पर मिल रहा है। अभी हम चेक करते हैं कि कमांड देने के बाद पावर सप्लाई से बाकी के वोल्टेज बन के आते हैं कि नहीं आते हैं, अभी वो चेक करते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ से अभी कमांड देता हूँ, यहाँ से मैंने कमांड दे दिया, अभी मेरी एलईडी दो बार ब्लिंक होकर चालू हुई है। ठीक है, अभी देखते थे बाकी वोल्टेज बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर 12 वोल्ट चेक करता हूँ, ये हमारा 12 वोल्ट का कनेक्टर है। तो यहाँ पर देखते 12 वोल्ट आ रहा है क्या, यहाँ से 12 वोल्ट हमारा नहीं आया, यहाँ से भी वोल्टेज नहीं आया। और 24 वोल्ट चेक करता हूँ, 24 वोल्ट भी हमारा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हो सकता है कि पावर सप्लाई से फॉल्ट हो, क्योंकि जब PS ऑन निकलता है तो तुरंत ही ऑफ हो जाता है, अगर उसको रिटर्न फीडबैक नहीं मिलता है तुरंत वो ऑफ हो जाता है। तो मैं यहाँ पर PS ऑन का सप्लाई चेक करता हूँ, PS ऑन आ रहा है कि नहीं।
तो जो पीएस ऑन है वो यहाँ से पिन ब्लू कलर का है, तो ब्लू कलर पर कितने वोल्टेज है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है जो कि मदरबोर्ड से निकलता है, सिग्नल रिटर्न जाता है हमारे पावर सप्लाई को पीएस ऑन करने का। तो ये हो सकता है तुरंत जाता हो और अगर इसको फीडबैक नहीं मिलेगा तो तुरंत ऑफ हो जाता है वोल्टेज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पावर सप्लाई चेक कर लेता हूँ। पावर सप्लाई इस तरह से चेक करूंगा, जो 5 वोल्ट की सप्लाई है 5 वोल्ट की सप्लाई को मैं पीएस ऑन के साथ शॉर्ट करूंगा। तो यहाँ से ही 5 वोल्ट इसको रिटर्न मिलेगा तो मेरा पावर सप्लाई के सारे वोल्टेज बन के निकल जाएंगे। निकलते हैं या नहीं निकलते वो भी मैं चेक कर लेता हूँ इसी साथ। तो तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, पावर सप्लाई खोल कर निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी हम लोग, ये मेरा पावर सप्लाई है, मैंने इसको खोल के साइड में निकाल लिया हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि पावर सप्लाई में कैसे कैसे काम करेगा वो हम लोग समझ लेते हैं। ये जो होता है, यहाँ पर पहले ट्रांसफार्मर गिन लेते हैं कितने ट्रांसफार्मर है। तो एक ट्रांसफार्मर, दो ट्रांसफार्मर, तीन ट्रांसफार्मर, कितने ट्रांसफार्मर है, तीन ट्रांसफार्मर यहाँ पर है। ये ट्रांसफार्मर नहीं, एक इंडक्टर कॉइल है जो कि लाइन फिल्टर हमारा है वो है। तो यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, दो ट्रांसफार्मर, तीन ट्रांसफार्मर। ये हमारा स्टैंड बाई का ट्रांजिस्टर है, ये हमारा लीनियर वोल्टेज 24 वोल्ट और 12 वोल्ट बनाने वाला ट्रांसफार्मर है, और ये हमारा पीएफसी वाला ट्रांसफार्मर है। पीएफसी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो स्विच, एक स्विच है यहाँ पर, एक स्विच मतलब ट्रांजिस्टर है और एक यहाँ पर डायोड है। हमने देखा था कि पीएफसी सर्किट में क्या होता है, इसका पैकेज क्या है, एक उसके लिए ड्राइवर रहेगा, एक स्विच रहेगा, स्विच मतलब ट्रांजिस्टर या मॉस्फेट, और एक डायोड रहेगा। तो यहाँ पर एक दो लेग का डायोड लगा हुआ है, आपको ट्रांजिस्टर जैसा ही दिखेगा लेकिन ये डायोड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक लीनियर वोल्टेज बनाने के लिए, जैसे 12 वोल्ट और 24 वोल्ट बनाने के लिए यहाँ पर एक ड्राइवर है, जिसके पास दो मॉस्फेट है स्विचिंग के लिए। एक मॉस्फेट यहाँ पर है, दूसरा मॉस्फेट यहाँ पर है, इसको मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा था। एक मॉस्फेट यहाँ पर है, दूसरा मॉस्फेट यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर है एक डायोड, ये एक डायोड है, आपको तीन लेग दिख रहा लेकिन ये डायोड है। यहाँ से वोल्टेज इन होगा और यहाँ से आउट होगा, ठीक है। ऐसे ही एक डायोड यहाँ पर भी है, यहाँ से वोल्टेज इन होगा और यहाँ से आउट होगा। तो उसके बाद ये सबका सेंसिंग इस आईसी को जाएगा, ये आईसी को तीनों का सेंसिंग, दोनों का सेंसिंग जाएगा, 24 वोल्ट का और 12 वोल्ट का सेंसिंग जाएगा। इसके अंदर दो कंपैरेटर है, वो दोनों का वोल्टेज को कंपेयर करके एक पर्टिकुलर आउटपुट निकाल के इस ऑप्टो कपलर पे जाएगा, और ऑप्टो कपलर पे मिलने के बाद, यहाँ पर आने के बाद इस आईसी को एक फीडबैक मिलता है कि ताकि ये वोल्टेज एक सही तरीके से लगातार बनते रहे, ठीक है। तो उसके बाद ये वोल्टेज को लगातार बनाने का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्टैंड बाई का यहाँ पर एक ड्राइवर लगा हुआ है, आपको मैं पैसा दिखाता हूँ। ये एक स्टैंड बाई का ड्राइवर है और स्टैंड बाई का ट्रांसफार्मर, यहाँ से स्टैंड बाई वोल्टेज मतलब 5 वोल्ट बन के यहाँ पर आएगा। ये डायोड यहाँ पर आपको दिख रहा है, डायोड यहाँ पर एक डायोड है जो कि यहाँ से 5 वोल्ट आउट होता है। ये 5 वोल्ट आउट होकर सीधा ही इस कनेक्टर पर आएगा, यहाँ पर इस कनेक्टर पे, और यहाँ पर लिखा है 5 वोल्ट, देखो आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट एसटीबी मतलब स्टैंड बाय वोल्टेज। उसके बाद लिखा है 5 वोल्ट बीएसबी, ये ही मेरा कौन सा पिन है, 5 वोल्ट जो बीएसबी लिखा है ये मेरा पीएस ऑन का सिग्नल है, यही पीएस ऑन का सिग्नल जाएगा यहाँ पर, इस ऑप्टो कपलर पे जाता है, इस ऑप्टो कपलर पे जाएगा, और यहाँ से जाने के बाद ये पीएफसी ऑन होता है। पीएफसी जैसे ही ऑन होगा, साथ साथ यहाँ पर ये वोल्टेज आएगा लीनियर वोल्टेज को ऑपरेट करने के लिए, ताकि लीनियर वोल्टेज सही तरीके से बने। तो यहाँ पर जो चार ऑप्टो कपलर लगा हुआ है उसका चारों का एक मीनिंग है, तो मैं आपको सब बताता हूँ। सबसे पहला जो ऑप्टो कपलर है, यहाँ पर देखो चार ऑप्टो कपलर है, 1 2 3 4 चार ऑप्टो कपलर है। तो इसके लिए यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर भी है, तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये आईसी है 431 आईसी है, तो फीडबैक के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो है फीडबैक, ये एक ट्रांजिस्टर, ये आईसी ले लो, और ये हमारा क्या है ऑप्टो कपलर, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, हमारा 5 वोल्ट को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद पीएस ऑन का सिग्नल आएगा ये पीएफसी के लिए, ठीक है, साथ साथ लीनियर के आउटपुट के लीनियर बनने के लिए यहाँ से सिग्नल आएगा इस ऑप्टो कपलर से, और ये हमारा इसका फीडबैक है, इसके फीडबैक मतलब कि स्टैंड बाई का फीडबैक पहला है ऑप्टो कपलर है, पीएफसी को ऑन करने के लिए और लीनियर को ऑन करने के लिए ये दो ऑप्टो कपलर है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा है, ये 24 वोल्ट और 12 वोल्ट लगातार बनते रहे, उसका फीडबैक इस ऑप्टो कपलर से जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 5 वोल्ट स्टैंड बाई चेक कर लेते हैं कौन से पिन पे आ रहा है। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, मल्टीमीटर को मैं यहाँ साइड में रखता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखते रहे सब कुछ। तो मैं अभी टीवी को ऑन कर दिया यहाँ से,
अभी मैं 5 वोल्ट सबसे पहले चेक करूंगा स्टैंड बाई वोल्टेज कहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक टर्मिनल इसका ग्राउंड करता हूँ और दूसरे पे यहाँ पर 5 वोल्ट चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो 5 वोल्ट आ रहा है, तो ये डायोड के वजह से ये डायोड हमारा क्या कर रहा है 5 वोल्ट यहाँ से बना के हमको दे रहा है, यहाँ से आउटपुट निकल रहा है, ठीक है 5 वोल्ट। अभी यहाँ पर ये इसके बाद का ठीक कौन सा पिन है हमारा बीएसबी, जो बीएसबी पिन है यहाँ पर अभी 0 वोल्ट है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ पिन नंबर ये दोनों को शॉर्ट करता हूँ, 5 वोल्ट वाला और उसके ठीक बाजू वाला पिन को शॉर्ट करता हूँ, ठीक है। मैं आपको एकदम क्लियर दिखाता हूँ कौन सा पिन मैं शॉर्ट करूंगा। आप देखिए यहाँ पर मुझे 5 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। उसके ठीक बाजू वाला जो पिन है वो है पीएस ऑन का सिग्नल का, तो मैं पीएस ऑन का सिग्नल यहीं से दे देता हूँ अभी दो टर्मिनल को शॉर्ट करके। जैसे ही मैं पीएस ऑन दूंगा मेरा पीएफसी ऑन होना चाहिए, ऑन होगा जैसे ही पीएफसी मेरा, तो यहाँ पर वोल्टेज जो है यहाँ का वोल्टेज जो है वो बढ़ के कितना हो जाएगा 390 वोल्ट। सबसे पहले अभी वोल्टेज यहाँ पर चेक करते कितना वोल्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा रहेगा, थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे अभी कितना मिल रहा है 324 वोल्ट मिल रहा है। जैसे मैं टर्मिनल शॉर्ट करूंगा अगर मेरा पीएफसी सर्किट ओके रहेगा तो यहाँ पर 390 या 400 वोल्ट होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो मेरा पीएफसी सर्किट फॉल्टी है, तो हम लोग उसको रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस दोनों पिन को शॉर्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद का प्रोसेस देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है आप देख सकते हो मैंने पीएस ऑन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया है। अभी जैसे ही मैं ऑन करूंगा यहाँ पर मुझे 390 वोल्ट मिलना चाहिए, यहाँ पर मुझे 390 वोल्ट मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ टीवी को, मैंने ऑन कर दिया, अभी देख लेते हैं वोल्टेज कितना आ रहा है। अगर मेरा पीएफसी सर्किट ओके रहेगा तो मुझे 390 वोल्ट वहां पर मिलना ही चाहिए कैसे भी करके। तो यहाँ पर देख रहे हो 400 वोल्ट मिला मेरा, मतलब मेरा पीएफसी सर्किट ओके है, ठीक है। पीएफसी सर्किट मेरा काम कर रहा है, अभी देख लेते हैं लीनियर वोल्टेज बन के आए कि नहीं आए। तो यहाँ पर मुझे कितना वोल्ट मिलेगा, अभी ये डायोड है यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे कितना वोल्ट मिलेगा 12 वोल्ट मिलना चाहिए, कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे 12 वोल्ट नहीं मिला, मतलब मेरा पीएफसी ओके है, सिर्फ लीनियर नहीं बन रहा है, ठीक है। ये लीनियर वोल्टेज नहीं बन रहा है, 5 वोल्ट बन रहा है। अब लीनियर नहीं बनेगा तो मेरा इन्वर्टर ऑन ही नहीं होगा, ठीक है, और ना ही मेरा पैनल को जाने वाला वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट, 12 वोल्ट जाएगा पैनल ऑन के लिए, पैनल के वोल्टेज है, और 24 वोल्ट कहाँ है मेरा इन्वर्टर को चलने के लिए वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा सर्किट ऑन नहीं हुआ है, तो मैंने इस आईसी का डेटा शीट निकाला है। तो इस आईसी के डेटा शीट में इस तरह से है, इसका जो पिन नंबर 12 है ये एक साइड में 8 है, एक साइड में 8 है, तो पिन नंबर 12 इसको बीसीसी सप्लाई है। तो सबसे पहले मैं इसका 8 पे चेक कर लेता हूँ, 12 पे चेक कर लेता हूँ कि बीसीसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बीसीसी वोल्टेज इसको 10 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए, वो चेक कर लेता हूँ। अगर मैं प्राइमरी साइड यूज कर रहा हूँ तो इसका ग्राउंड में प्राइमरी साइड का यूज करूंगा, तो यहाँ पर अभी कितना वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर मुझे 10 वोल्ट मिल रहा है। और साथ ही साथ मैंने इसका डेटा शीट निकाला इस तरह से है कि मुझे यहाँ पर अगर इसके 8 नंबर पिन पे 2 वोल्ट से ज्यादा रहेगा, मतलब 1.8 वोल्ट से ज्यादा रहेगा, तो ये हमारा ड्राइवर क्या करेगा, आउटपुट जो निकालता है फ्रीक्वेंसी उसको डिसेबल करेगा, मतलब उसको फ्रीक्वेंसी निकालना बंद कर देगा, जो कि इस मॉस्फेट को स्विचिंग करने के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए। अगर इसका वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज 2 वोल्ट से ज्यादा रहेगा, 1.8 वोल्ट से ज्यादा रहेगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी निकालना बंद करता है। और ये बन के कहाँ से आ रहा है, हमारे इस ऑप्टो कपलर से बन के आ रहा है, ऑप्टो कपलर नंबर 3 से बन के आ रहा है। तो मैं यहाँ का वोल्टेज चेक करता हूँ कितना वोल्ट है एक बार, तो यहाँ पर मुझे कितना वोल्ट मिल रहा है 2.15 वोल्ट मिल रहा है, मतलब ये वोल्टेज मेरा ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका कनेक्शन डायरेक्ट ही इस ऑप्टो कपलर से है, ठीक है। तो ऑप्टो कपलर पे यहाँ पर आपको 10 वोल्ट के आसपास मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है, सॉरी 1 वोल्ट के आसपास मिल रहा है, हाँ यहाँ पर आपको 10 वोल्ट दिखा रहा है, तो मतलब यहाँ पर 10 वोल्ट है, मतलब यहाँ पर भी 10 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये आउट करेगा कितना, 1 वोल्ट के आसपास या 1 वोल्ट से कम आसपास आउट करता है, मैक्सिमम इसका वोल्टेज कितना है 1.8 वोल्ट रहेगा, तो ये फ्रीक्वेंसी निकालना स्टार्ट करेगा। अगर इससे ज्यादा होता है तो बंद करता है, तो मतलब मिनिमम 0 हो जाएगा तो भी चलेगा, 0.1 रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन 1.8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक बार ये क्या करता हूँ ऑप्टो कपलर को चेंज करके देख लेता हूँ, ताकि हो सकता है मुझे ये फॉल्टी लगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज ज्यादा हो गया है और इसका कनेक्शन और किसी से नहीं है, डायरेक्ट ऑप्टो कपलर और पिन नंबर 8 से इसका कनेक्शन है। तो सबसे पहले मैं इसका क्या करता हूँ, ऑप्टो कपलर को चेंज करके देख लेता हूँ। अभी मैं देख लेता हूँ
इसको निकालने की कोशिश करता हूँ अभी। चलो निकालते हैं इसको हम लोग। तो सबसे पहले पावर को ऑफ कर देना है। पावर ऑफ करने के बाद इसको हमको निकाल लेना, ऑप्टो कपलर को आसानी से निकालना है। साइड साइड में असेंबली कंपोनेंट लगे हुए हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है आपको, ठीक है? नहीं तो आप करने कुछ और जाओगे, हो जाएगा कुछ और। तो यहाँ से मैं ऑप्टो कपलर को निकालता हूँ। तो इस ऑप्टो कपलर यहाँ पर, ये वाला ऑप्टो कपलर है, क्योंकि इसको ऑन करने के लिए यहीं से सिग्नल जाएगा, यहीं से सिग्नल जाएगा इसको ऑन करने के लिए, मतलब इनेबल डिसेबल का जो सिग्नल है ये यहीं से जाएगा। और इसको सप्लाई ये 240 वोल्ट से ही मिल जाएगा इसको, यहाँ से, क्योंकि देखो यहाँ से सप्लाई जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर दो तीन रजिस्टर लगा के इसको सप्लाई दिया गया है ऑन होने का। तो मेरे पास एक ऑप्टो कपलर यहाँ पर मैंने निकाला, ये खराब वाला है, और ये मेरे पास एक चालू वाला ऑप्टो कपलर है जो कि मैं टीसीएल के सर्किट में से निकाला हूँ। तो ऑप्टो कपलर आप कोई भी कहीं से भी निकाल के डाल सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सबका काम वही सेम ही रहता है। तो अभी मैं इसको प्लेस करता हूँ। तो प्लेस करते समय आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डॉट लिखा है, डॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी डॉट रहेगा। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी एक डॉट आपको नजर आएगा, ठीक है? इस साइड में डॉट है, मैं ये डॉट को इस साइड कर लेता हूँ। ये देखो डॉट है, तो डॉट डॉट्स के साइड में लगा देना आपको। तो यहाँ पर मैंने ये आपको कपड़े को प्लेस कर दिया है, अभी मैं इसको शोल्डर कर देता हूँ। अभी मैंने इसको सोल्डर कर दिया हूँ अच्छे से, ठीक है? तो इसको एक बार मैं शॉर्टिंग ना रहे इसलिए मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ यहाँ पर इससे, ठीक है? इस तरह से लगा दिया मैंने। अभी मैं एक बार ऑन करके देखता हूँ कि सप्लाई मेरा बना है कि नहीं बना है, ठीक है? क्योंकि मैं पीएस ऑन तो यहाँ पर शॉर्ट किया हूँ, तो सप्लाई डायरेक्ट ही, अगर ये खराब रहेगा तो सप्लाई मेरा डायरेक्ट ही बन के आउट होगा यहाँ से, ठीक है? तो अभी मैं इसको चेक कर लेता हूँ। टीवी को ऑन करता हूँ मैं यहाँ से, टीवी को मैंने ऑन कर दिया है। अभी देख लेते हैं सप्लाई आया है कि नहीं आया है यहाँ पर। अभी मेरा यहाँ पर सप्लाई आ गया, ठीक है? 11 वोल्ट आ गया, और यहाँ पर 24 वोल्ट आ रहा है कि नहीं वो भी चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो 24 वोल्ट यहाँ से यहाँ पर आएगा, ज़्यादा वोल्टेज है ये इस तरह से। अब यहाँ पर मुझे 24 वोल्ट मिल गया, मतलब मेरा ये ऑप्टो कपलर क्या था, फॉल्टी था। अब यहाँ का वोल्टेज हम चेक करते हैं कितना वोल्ट हो गया है, जो पहले ज्यादा वोल्टेज था 2 वोल्ट के आसपास था, अब यहाँ का वोल्टेज चेक कर लेते कितना वोल्ट आ रहा है। अब देखिए यहाँ का वोल्टेज कम हो गया है, ठीक है? 0.79 ऐसा कुछ 7 वोल्ट के आसपास है, ठीक है? तो पहले कितना था यहाँ पर, 2 वोल्ट के आसपास था, अब यहाँ का वोल्टेज कम हो गया है, ठीक है? तो इस तरह से अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पीएस ऑन का कनेक्शन ओपन करते हैं, ठीक है? क्योंकि सिग्नल है वो हमारा मदरबोर्ड देता है। तो हमने इसको जबरदस्ती एक तरह का पावर सप्लाई चेक करने के लिए इसको मैंने शॉर्ट किया था। तो अभी क्या करता हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ कनेक्शन को, ठीक है? तो टीवी को मैं बंद करता हूँ, और ये कनेक्शन को मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ, ठीक है? अभी कनेक्शन मेरा ओपन हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वापस से जहाँ था वहाँ पर रख के अब इसको फिटिंग करता हूँ। आपको हमेशा केयरफुली इसमें काम करना है, क्योंकि इसमें असेंबली लेवल पे काम करना रहता है। तो आप थोड़ा भी लापरवाही करोगे तो आपको चालू होने की जगह टीवी आपका बंद हो जाएगा, या फिर चालू टीवी रहेगा तो भी बंद हो जाएगा। इसीलिए आपको सावधानी बरतनी है इससे, इसको चालू करने रिपेयर करते समय। सारे स्क्रू का आपको केयरफुली कस देना है, और ये मेरा फॉल्टी कंपोनेंट था, इसको मैं साइड में करता हूँ। अभी मैं एक बार टीवी को ऑन करके देखता हूँ ऑन होता है या नहीं ऑन होता है उसके लिए, ठीक है? तो मैं टीवी को ऊपर कैसे उठाता हूँ, ठीक है? यहाँ से चेक कर लेता हूँ टीवी मेरा ऑन होता है या नहीं होता है, ठीक है? चलिए ऑन करता हूँ मैं टीवी को। यहाँ पर एलईडी आ गया हमारा, ठीक है? अभी मैं यहाँ से स्टैंड बाई का बटन को प्रेस करता हूँ, दो बार ब्लिंक करेगा, और तीसरी बार में
डिस्प्ले आ जाना चाहिए। ये देखो डिस्प्ले आ गया इस तरह से, ठीक है। तो अभी मैं सिग्नल देता हूँ इसको, सिग्नल इस तरह से, यहाँ पर AB1 AB2 करके रहता है, तो यहाँ पर अभी को भी देख तो पिक्चर एकदम क्लियर आ गया है। तो इस तरह से आप अगर सही तरीके से नॉलेज है आपको तो फटाफट आप रिपेयर कर सकते हो। पावर सप्लाई रिपेयर करने ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और हाल ही में मैंने नया कोर्स चालू किया है टीवी रिपेयरिंग का, तो आप उसमें चाहे तो भाग ले सकते हो और रिपेयरिंग सीख सकते हो उससे, ठीक है। कोर्सेज ऑनलाइन है, आप मुझे उसके लिए संपर्क कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो मेरे नंबर पर, ऊपर मैं नंबर आपको मिलता है।